नए साल का माहौल है और दिल्ली सरकार की ओर से कोयले पर रोक लगा दी है। दिल्ली NCR में इंडस्ट्रीज में कोयले और अन्य प्रमाणित ईंधनों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। केंद्र सरकार के वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग यानी CAQM के मुताबिक थर्मल पावर प्लांट में कम सल्फर कोयले के इस्तेमाल की अनुमति है। दिल्ली में वायु प्रदूषण को रोकने के लिए ये फैसला लिया गया है। बता दें कि दिल्ली NCR में वायु प्रदूषण को रोकने की कोशिश जारी है। दिल्ली NCR में वायु प्रदूषण काफी हद तक बढ़ जाता है, इसी के लिए ये काम किए जा रहे हैं। अधिकारियों ने निर्देश दिया है कि वह बिना किसी कारण बताओ नोटिस के कोयले सहित गैर अनुमोदित ईंधन का उपयोग करने वाले उद्योगों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों को बंद कर दें। अधिकारी ने कहा है कि आदेश का उल्लंघन करने वाली इकाइयों पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। समिति ने जून में ही 1 जनवरी 2023 से पूरे दिल्ली NCR में औद्योगिक, घरेलू और अन्य विविध अनुप्रयोगों में कोयले के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के निर्देश जारी किए थे। इसके चलते सभी उद्योगों को स्वच्छ ईंधन की ओर जाने का ठीक ठाक वक्त मिल गया। इस मामले में अधिक जानकारी देते हुए CAQM के एक अधिकारी ने कहा कि चूक करने वाली इकाइयों पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा, इसलिए लोगों को काफी ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि पैनल ने 6 महीने पहले प्रतिबंध की घोषणा की थी, जिससे सभी उद्योगों को स्वच्छ ईंधन पर जाने के लिए एक अच्छा खासा वक्त मिल गया था। थर्मल पावर प्लांट्स में लो सल्फर कोयले के उपयोग की भी अनुमति है। अधिकारी ने स्पष्ट किया कि इसका उपयोग प्राथमिक उद्देश्य बिजली उत्पादन में किया जा सकता है। तो वहीं इस मामले में ये भी बताया गया कि कोयले की जगह आप क्या इस्तेमाल कर सकते हो, ये भी ऑप्शंस आपके सामने रखे गए। जलाऊ लकड़ी और बायोमास बिक्रेट का उपयोग धार्मिक उद्देश्यों और दाह संस्कार के लिए किया जा सकता है। लकड़ी या बांस के चारकोल का उपयोग होटल, रेस्तरां, बैंक्वेट हॉल, खुले भोजनालय, ढाबों, होटलों के तंदूर और ग्रिल के लिए किया जा सकता है। CAQM ने पहले कहा था कि कपड़े की इस्त्री के लिए लकड़ी के चारकोल के इस्तेमाल की अनुमति है। तो वहीं अधिकारी ने कहा कि इन प्रतिबंधों का उल्लंघन करने पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा, जिसने भी उल्लंघन किया उससे भारी जुर्माना वसूला जाएगा। उन्होंने कहा कि समिति ने 6 महीने पहले ही प्रतिबंध की घोषणा की थी, जिससे सभी उद्योगों को स्वच्छ ईंधन की ओर आने पर एक अच्छा खासा समय उन्हें मिल गया था। तो वहीं देखा जाए तो वाहनों से भी प्रदूषण फैलता है, और उसको कम करने के लिए ही केंद्र के वायु गुणवत्ता पैनल ने उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा को भी निर्देश दिया है कि वो 1 जनवरी से केवल CNG और इलेक्ट्रॉनिक ऑटो पंजीकृत करें। तो वहीं NCR में डीजल वाले वाहनों का रजिस्ट्रेशन करें। जाहिर है कि CAQM के मकसद के बारे में बताएं तो वो 1 जनवरी 2027 से NCR में सिर्फ CNG और ई ऑटो ही चलते हुए देखना चाहता है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों में रहने के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।